स्टोव देश की 48वीं गाथा में हमने पढ़ा कि जिसे आत्मा से प्रेम होता है वो शरीर का कष्ट सहन कर लेता है लेकिन आत्मा को दुखी नहीं करता है। जिसे शरीर से प्रेम होता है वो आत्मा को दुखी कर लेता है, शरीर को कष्ट नहीं देता है। कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया? जिसे आत्मा से प्रेम है, शरीर में कष्ट हो रहा है तो हो जाए, आत्मा को दुख नहीं दूंगा, मन दुखी नहीं करूंगा, आत्मा दुखी नहीं करूंगा। और जिसे शरीर से प्रेम हो जाए होता है तो आत्मा कितनी दुखी हो जाए, यानी बाहर की वस्तुएं यदि चाहिए है तो आत्मा को दुखी कर सकते हैं, मगर बाहर की चीज तो चाहिए ही चाहिए। थोड़ा थोड़ा समझ में आया आपको, है ना? चाहिए के नाम से समझ में आ गया। दिन भर चाहिए चाहिए वाले तो हैं, सुबह से ये चाहिए, दोपहर में ये चाहिए, शाम को ये चाहिए, रात में ये चाहिए, दिन भर चाहिए चाहिए। तो आत्मा के ध्यान में आनंद भी है और कर्म की निर्जरा भी है। बाहर के सुखों में क्षणिक सुख है और कर्म का बंध है। अगले श्लोक में आचार्य पूज्यपाद स्वामी बड़ी अच्छी बात कहते हैं। अविद्याभिदुरं ज्योति परम ज्ञानमयं महत् तत्प्रष्टव्यं तदेष्टव्यं तद्द्रष्टव्यं मुमुक्षुभिः। अविद्याभिदुरं ज्योति, जो अविद्या का अंधकार है, ज्ञान की ज्योति के द्वारा उसे नष्ट किया जा सकता है। यदि तुम्हारे कमरे में अंधेरा हो तो तुम क्या करते हो? लाइट जला देते हो, क्या हो जाता है? उजाला हो जाता है। अब अज्ञान को हमने अंधेरा नहीं माना है। जब तक अज्ञान का अंधेरा को अंधेरा नहीं मानोगे, ये सोचोगे नहीं हम तो इसी में रहते हैं, हमें तो आदत है ऐसे रहने की। भाई एक व्यक्ति है जिसने अपने जीवन में कभी उजाला देखा ही नहीं है। क्या? जिसने अपने जीवन में कभी उजाला देखा ही नहीं है, वो हमेशा अंधेरे में ही रहा है, तो उजाला नाम की चीज़ को पहचानते ही नहीं है वो। और जब तक वो उस चीज़ को पहचानेगा नहीं, तब तक पाने का प्रयास भी नहीं करेगा। जैसे शुद्ध घी है, संसार में बहुत लोग ऐसे होंगे जो शुद्ध घी का नाम भी नहीं जानते होंगे। आपकी बात नहीं कर रहे, आप तो बड़े सब चीज़ शुद्ध चाहिए, घी शुद्ध चाहिए, दूध शुद्ध चाहिए, मसाला शुद्ध चाहिए, आटा शुद्ध चाहिए, पानी भी बिल्कुल बढ़िया वाला। कौन सा वाला? वो बोतल में आता ना, बिसलरी, वो शुद्ध वाला चाहिए। सब चीज़ तो शुद्ध चाहिए, भाव शुद्ध चाहिए नहीं चाहिए? अरे बोलिए ना, खुद को छोड़ के बाकी सब शुद्ध चाहिए, खुद भले अशुद्ध हैं। तो जिसने कभी शुद्ध घी जाना नहीं, देखा नहीं, वो शुद्ध घी के विषय में सोचता भी नहीं है, उसके मन में विचार भी नहीं आता है, कभी उसके दिमाग में ये बात भी नहीं आती है कि शुद्ध घी नाम की कोई चीज भी होती है। क्यों? उसे स्वाद ही नहीं पता, उसने जाना ही नहीं है, और कभी किसी ने बताया भी नहीं है उसको, ना सुना है, ना देखा है, और ना अनुभव में आया है। क्या? शुद्ध घी। कौन सा घी? शुद्ध घी। अब एक बार उसे किसी ने शुद्ध घी खिला दिया, बड़ा अच्छा लगा। अब वो पूछेगा, ये कहाँ मिलता है, ये कैसे बनता है, ये कहाँ कैसे मिलता है, कितने रुपए किलो मिलता है, क्या मिलता, आज तक मैंने खाया ही नहीं है।
अब वो प्राप्त करने का प्रयास करेगा। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने ये बात क्यों बताई है, ये बताना है मुझे कि अविद्या भिद्रम ज्योति परम ज्ञान मयम महत। अज्ञान के अंधकार को ज्ञान की ज्योति से नष्ट किया जाता है, लेकिन सबसे पहले ये तो जान लें कि ज्ञान क्या है और अंधकार क्या है, अज्ञान क्या है। जब तक ज्ञान और अज्ञान को अलग अलग नहीं समझेंगे तब तक प्राप्ति का उपाय भी नहीं करेंगे। अच्छा ये बताओ, आपको ज्ञान है कि नहीं है? गुस्सा करने का ज्ञान है? अरे बोलिए ना, आपको गुस्सा करने का ज्ञान है? किस पे करना चाहिए, कितना करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ज्ञान है कि नहीं? बहुत बढ़िया। आपको धन कमाने का ज्ञान है? है। आपको रसोई बनाने का ज्ञान है? है। आपको बच्चा पालने का ज्ञान है? वो भी है। सजने संवरने का ज्ञान है? वो भी है। अपने घर को ठीक ठाक रखने का ज्ञान है? वो भी है। पड़ोसन से बातें करने का ज्ञान है? अरे बोलिए ना, जोर से बोलिए ना, है ना, इतना तो है। इसे आप ज्ञान कहोगे कि अज्ञान कहोगे? सबसे पहले यही भेद करना है कि अज्ञान क्या है और ज्ञान क्या है। चार कषाय, हाँ एक बार और, चार कषाय, पांच पाप, राग द्वेष मोह से रहित जो होता है उसका नाम है ज्ञान। फिर से सुन लो, क्रोध मान माया लोभ, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, राग द्वेष मोह, इनसे रहित जो ज्ञान होता है उसका नाम है ज्ञान, और इनके साथ जो ज्ञान होता है उसका नाम है अज्ञान। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अब आप सुबह से लेके शाम तक और रात से लेके सुबह तक ज्ञान में रहते हो कि अज्ञान में रहते हो, या क्रोध में या मान में या माया में या लोभ में या हिंसा में या झूठ में या चोरी में या कुशील में या परिग्रह में, ठीक है, या राग में या द्वेष में या मोह में, इससे हट के एक पलक झपकने के बराबर समय भी क्या आप इससे दूर हो पाते हो? अभी तो ज्ञान शब्द को समझा ही नहीं है, उसको जीना तो बहुत बड़ी बात है। और यहां क्या कह रहे हैं, अनंत काल से अज्ञान के अंधकार में जी रहे हैं, यदि ये अंधकार कोई नष्ट कर सकता है तो उसका नाम है ज्ञान। भगवान बैठे हैं, देखिए भगवान की तरफ, ये क्रोध कर रहे क्या? देखिए ध्यान से देखिए, चेहरा पढ़िए भगवान का, मान कर रहे क्या, मायाचारी लोभ हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह राग द्वेष मोह कुछ है क्या इनके चेहरे पर? कुछ भी नहीं है। इसका मतलब इनका ज्ञान ही शुद्ध ज्ञान है, इनका ज्ञान ही शुद्ध ज्ञान है, और इसके अलावा जितना ज्ञान है ये सारा अशुद्ध ज्ञान है। अब शुद्ध ज्ञान क्या करता है और अशुद्ध ज्ञान क्या करता है, थोड़ा सा इसको समझ लें कि शुद्ध ज्ञान से क्या मिलता है और अशुद्ध ज्ञान से क्या मिलता है। शुद्ध ज्ञान से शांति मिलती है, सुख मिलता है, आनंद मिलता है, और अशुद्ध ज्ञान से दुख मिलता है, अशांति मिलती है, संसार बढ़ता है। शुद्ध ज्ञान से संसार कटता है, शुद्ध ज्ञान से हम स्वयं का ज्ञान करते हैं, और अशुद्ध ज्ञान में हम सारी दुनिया को जानते हैं। ये भी जान लूँ, ये भी जान लूँ, न्यूज़ देख लूँ, अखबार पढ़ लूँ, पड़ोसन से बात कर लूँ, और कुछ तो ऐसे खबरी होते हैं हर शहर में होते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता है, उनका एक ही काम होता है कि खबर ढूंढना और दुकान दुकान में बैठ के खबर सुनाना, उनका एक ही काम होता है। और जो खबर सुनने के उत्सुक होते हैं, आजा भाई बैठ, और ठीक है लाए भाई इसके लिए चाय लेके आ, चाय
चाय पिला पिला के खबर सुनते हैं, और वो भी चाय के चक्कर में दुनिया भर की न्यूज इकट्ठी करता है और सारी दुनिया को बांटता है। ये नहीं पता है कि खुद भी अंधेरे में है और दूसरों को भी अंधेरा कर रहा है। ज्ञान शब्द को समझने के बाद उसे जीने का प्रयास करना, और ज्ञान शब्द समझ में आएगा भगवान को देखने के बाद में, कि भगवान आप राग द्वेष मोह कलेश ईर्ष्या लड़ाई झगड़े सबसे दूर हो गए हैं, और आपने अपनी आत्मा का ध्यान ऐसा लगाया उसमें ऐसा आनंद आया कि आप उससे बाहर निकले ही नहीं। तो ज्ञान और अज्ञान का मतलब पता चल गया। तो अभी अज्ञान में जी रहे हैं कि ज्ञान में जी रहे हैं? 24 घंटे ज्ञान का उपयोग करते हैं कि अज्ञान का उपयोग करते हैं? भाई ज्ञान तो है हमें, ज्ञान और अज्ञान और समझ लो कि ज्ञान जो है जब उसमें कुछ मिल जाता है तो वो अज्ञान बन जाता है। जैसे शुद्ध दूध है, क्या शुद्ध दूध और शुद्ध पानी दोनों को मिला दिया, क्या हुआ? शुद्ध रहा, अशुद्ध रहा? हैं, अशुद्ध हो गया। क्यों? दूध भी शुद्ध था, पानी भी शुद्ध था, तो फिर अशुद्ध कैसे हो गया? दो अलग अलग चीजें मिल गई तो वो अशुद्ध हो गया। दूध अलग जाति का पदार्थ है और पानी अलग जाति का पदार्थ है। जब दोनों पदार्थ मिल गए तो जहां मिलन हो जाता वो अशुद्ध हो जाता है। ऐसे ही ज्ञान जब अपनी आत्मा का ध्यान करे तो वो ज्ञान है, और जब ज्ञान क्रोध मान माया लोभ से मैत्री कर ले, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह के साथ बैठ जाए, ईर्ष्या द्वेष कुशील करने लगे और ये सारे राग द्वेष मोह करने लगे, तो ज्ञान जो है मिक्स हो गया। किससे हो गया? बाहर वालों से मिक्स हो गया। अब ज्ञान अज्ञान बन गया। बात बड़ी सूक्ष्म है, हो सकता किसी की समझ में भी ना आए, लेकिन मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी आपको। यदि इसको नहीं समझे ना तो ध्यान रखना कभी शुद्ध में आ ही नहीं पाएंगे। अभी आने की बात तो छोड़ो, भावना भालो कि हे भगवान मुझे शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो। अभी तो हम अशुद्ध ज्ञान को ज्ञान मान रहे हैं, अज्ञान को ही ज्ञान मान रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, स्कूल बच्चे जाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, पैसा भी खर्च करते हो, स्कूल भेजने में लाखों लाखों रुपए खर्च कर देते हो, है ना, कॉलेज विश्वविद्यालय कोचिंग बड़े बड़े सेंटर चल रहे हैं। अब वहाँ पर अज्ञान मिल रहा है या ज्ञान मिल रहा है? मिक्स हो गया ना। वहाँ पेट भरनी विद्या मिल रही है, ये बोलो ना। तीन तरह की विद्या होती है, पेट भरनी, भावतरणी और जलतरणी। जलतरणी विद्या में जल में तैर के पार कैसे हुआ जाता है ये बताया जाता है, ठीक है। और पेट भरनी विद्या में पेट कैसे भरें, पैसा कैसे कमाएं, इस बात का ज्ञान कराया जाता है। और भावतरणी विद्या में शुद्ध ज्ञान का ज्ञान कराया जाता है। तो जो शिक्षा लेने बच्चे जाते हैं वो कौन सी विद्या है? भावतरणी, पेट भरनी। अच्छा तुम्हें तो पेट भरने के लिए इतने स्कूल कॉलेज पढ़ने पड़ते हैं, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। ये चिड़िया बैठी यहाँ पर, इनने कौन से कॉलेज की पढ़ाई करी? गाय भैंस को देखा है आपने? कुत्तों को घूमते देखा है? शहरों में बहुत लोग बताते हैं, बोले माता जी हम जिस टाइम पर अपनी गाय को रोटी डालते हैं उस टाइम पे आके दरवाज़ा खटखटा देती है। उसको भी ज्ञान है भोजन कहाँ मिलेगा, उसे भी पता है कि मेरा खाना कहाँ है। पेट तो वो भी भर लेते हैं और पेट तुमने भी भर लिया, कौन सी बड़ी बात है बताओ मुझे। पहले के लोग स्कूल कॉलेज नहीं जाते थे तो क्या वो भूखे रहते थे? अरे बोलिए ना, पहले के लोग तो अधिकतर अनपढ़ होते थे, अक्षरीय ज्ञान नहीं होता था।
यही था ना, अक्षरी ज्ञान नहीं होता था। और आज अक्षरी ज्ञान ज्यादा है। अक्षरी ज्ञान ज्यादा होने के बाद में पाप बढ़ा या पाप घटा, बोलिए। जितने स्कूल बढ़ रहे, जितने कॉलेज बढ़ रहे, जितने मोबाइल बढ़ रहे, जितनी टीवी बढ़ रही है, इससे पाप बढ़ा है या पाप घटा है? पहले इतना पाप नहीं था, पाप तो था लेकिन इतना नहीं था। पहले के समय में इतना पाप नहीं कर पाते थे क्योंकि पाप के साधन नहीं थे, पाप के साधन नहीं थे। अब पाप के साधन सुबह से शाम तक खड़े तैयार सामने, कितने पाप करना है बताओ। किसी को क्रोध करना अभी लो, किसी से लड़ना है अभी लो, किसी को घमंड दिखाना अभी लो, मोबाइल तैयार है। उसके पास तक तुम बाद में पहुंचोगे, मोबाइल अभी तैयार, अभी कर लो। पाप के साधन, जितनी अक्षरीय ज्ञान बढ़ा है उतने पाप के साधन बढ़ गए। अब पाप जो है, पाप करना ज्ञान है कि अज्ञान है? अज्ञानी व्यक्ति पाप करता है या ज्ञानी व्यक्ति पाप करता है? जिसका ज्ञान, जिसका अज्ञान जितना तीव्र होगा, ज्ञान नहीं, जितना अज्ञान जितना तीव्र होगा उतना पाप करेगा, और जिसका अज्ञान जितना कम होगा उतना कम करेगा। घर में रहते हो, 24 घंटे में शुद्ध ज्ञान की याद आती है कभी? ये हे भगवान, आपका ज्ञान तो देखो, आपको जो हाथ जोड़ रहा है उससे राग नहीं, और जो आपको बुरा भला कह रहा है उससे द्वेष नहीं। भगवान तो ना राग करते हैं और ना, तो उनका ज्ञान क्या काम कर रहा है? उनका ज्ञान उनकी आत्मा के ध्यान में लीन है। क्या है? उनका ज्ञान उनकी आत्मा के ध्यान में लीन है। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई? तो आज से आपने अज्ञान छोड़ दिया? अरे बोलिए ना, है? अभी इतनी जल्दी नहीं छूट पाएगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत प्रयास करना पड़ेगा। अनंत काल का ज्ञान है, एक दिन का नहीं है। यदि एक दिन आप किसी भट्टी पे कढ़ाई चढ़ा दो, एक दिन, दो दिन, 10 दिन, साल, 2 साल, 4 साल, फिर उसको साफ़ करने बैठो, क्या एक दिन में साफ़ हो जाएगी? नहीं होगी। ऐसे ही अनंत काल का ज्ञान है, एक दिन का नहीं है। इसको निकालना, खरोच खरोच के निकालना पड़ेगा, बहुत प्रयास करना पड़ेगा। ये फिर भागेगा मन पाप की तरफ, फिर वापस लाना पड़ेगा, ये फिर भागेगा, फिर वापस लाना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से कंट्रोल में आएगा। चलिए, आपको मेरी बात तो समझ में आई गई, समाप्त करूं? ठीक है, चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। करने में ध्यान का, तलवार में म्यान का, और छोड़ने में अज्ञान का। देने में दान का, देने में दान का, शादी में पान का, और प्राप्त करने में शुद्ध ज्ञान का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का। और कहाँ से आए? देहरादून, विकास नगर। पानी में मगर का, चलने में डगर का, और आने वालों में विकास नगर का। बड़ा ही महत्व है। पंचकलम, हाँ बिल्कुल याद है मुझे, आचार्य श्री ने पंचकल्याणक करवाया था वहाँ। हाँ चलिए, और कहाँ से आए? पुणे, पान में चूना का, गर्मी में पना का, और आने वालों में पुणे का। दिल्ली का बोल दिया आपने, सुना नहीं? चलिए, और कहाँ से आए?
मलकापुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में मलकापुर का, ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का, और आने वालों में मेड़ता सिटी का बड़ा ही महत्व है। नहीं होने में विवाद का, देने में दात का, और आने वालों में गाजियाबाद का। सबका हो गया? लुहाड़िया है वस्तुओं में बढ़िया का, वस्तुओं में बढ़िया का, और पहाड़ पर मढ़िया का, और आने वालों में लुहाड़िया का। बोलिए चौबीसों भगवान की।